लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप. ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप है, फर्स्ट टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप थे, तीन साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, साथ ही में तीन बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है, फर्स्ट इज अर्नस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वूस. ठीक है, इन्होंने कोशिश की थी क्लासिफाई करने की लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने ही हिसाब से कैटेगरी में. इसे विटेकर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम भी कहते हैं. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर भी बोल सकते हैं, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसे कहते हैं. ठीक है, तो ये पांच किंगडम वाला क्लासिफिकेशन है, जिसमें कौन से पांच किंगडम आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमेलिया. ठीक है, दीज आर द फाइव किंगडम्स. कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक, ये किस तरह से डिवाइड है, बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और उसके बाद थोड़ा मॉडिफाई किया गया है. मॉडिफिकेशन में क्या है, कार्ल वूस ने क्या किया है, मोनेरा में आर्की बैक्टीरियाज को एंड यू बैक्टीरियाज को इंक्लूड कर दिया है. इसके बाद इन सब क्लासिफिकेशन का ग्रुप, सब ग्रुप, ये सब भी किया गया है. अभी सिर्फ पांच किंगडम दिए, ये आगे चल के काम आएगा. ठीक है, अभी किंगडम है, किंगडम में फिर फाइलम जाएंगे, फाइलम में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज करके नामकरण कर दिया जाएगा इनका. क्लियर, ये स्मॉलर ग्रुप में बताएंगे. तो यहाँ पर स्टार्ट होता है, किस तरह से ये पूरा चार्ट बनेगा इसका. पहले तो हमने क्या डिसाइड कर लिया कि ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, वो देख लेंगे. जो अगर प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक कैसा है, यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर में कौन सी कैटेगरी आएगी, मोनेरा. ठीक है, यूकैरियोटिक है तो उसमें भी दो कैटेगरी आ सकती है, यूनि एंड मल्टी. तो यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर में दो चांसेस है, सेल वॉल के साथ और सेल वॉल बिना. सेल वॉल के साथ दो है, फंगीज एंड प्लांट, सेल वॉल बिना है एनिमेलिया. ये पूरा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है. ठीक है, अब इनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, वो हम इधर पैराग्राफ वाइज देखते हैं. ठीक है, आप उसका पॉइंट्स भी बना सकते हो. सी, तो पॉइंट्स बनाने के लिए आप ऐसे देख सकते हो. तो पहला पॉइंट ये है कि मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, दे डू नॉट हैव एनी डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है ना, प्रिमिटिव टाइप है, तो प्रिमिटिव में न्यूक्लियस तो वैसे भी पुराना होता है, उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई न्यूक्लियर प्लाज्म नहीं, कुछ नहीं रहता है. ठीक है, वो एक सिर्फ न्यूक्लियस का सेंटर जैसा दिख जाएगा, बट उसके अंदर कोई सराउंडिंग नहीं, कुछ हमें पता चलता नहीं. इट वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, कोई मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन भी नहीं है, कोई तरह के सेल ऑर्गेनल्स भी हम बराबर देख पाते नहीं. दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, उनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम उसको देखते हैं. देखो, ये पहला पॉइंट हो गया कि उनको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल नहीं है, उनकी बॉडी डिजाइन भी सेम नहीं. दूसरा, दे हैव सेल वॉल, सम ऑफ देम हैव, ठीक है, वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बॉडी फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग सेल वॉल इन मल्टी सेल, नॉट इम्पोर्टेंट. क्लियर, अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा, दिस ऑर्गेनिजम्स कैन बी ईदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी आ जाता है. क्लियर, कि वो खुद भी अपना खाना बना सकते हैं और वो दूसरों पर भी डिपेंडेंट रहते हैं. क्लियर, दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यहाँ पे बताया है. ठीक है, एंड सम एग्जाम्पल्स आर शोन, ये बैक्टीरिया का फिगर है, ये आना बेना है. क्लियर, दिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरा एंड दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे याद रखोगे, मोनेरा तो हमको पता है प्रोकैरियोटिक सेल है, पीछे हमने देखा चार्ट में, तो प्रोकैरियोटिक सेल तो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सीन. ठीक है, सम विद सेल वॉल्स एंड सम विदाउट सेल वॉल्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ईदर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, इतना लिखा बस हो गया. उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स बता दो, दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एनामेना. ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरा. सो मोनेरा इज डन. कम टू दी प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, पीछे दिया हुआ है चार्ट में, याद ही रखने का. ये भी यूनिसेलुलर, बट ये कैसा है, यूकैरियोटिक टाइप का सेल. ठीक है, तो इसमें जो सेल टाइप होगा वो कैसा होगा, एडवांस टाइप होगा. ठीक है, सो इट इज अ यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये पहला ही कैटेगरी. ठीक है, दे हैव सम अपेंडेजेस, उनको कुछ हाथ पैर जैसी चीजें होंगी, तो वो हाथ पैर एग्जैक्टली हाथ पैर जैसा नहीं होता है, जस्ट लाइक
उनकी बॉडी में कैसे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइक सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है, मूविंग अराउंड उनकी बॉडी के ऊपर है ना, छोटे छोटे बाल जैसे या बड़े एक लंबा सा बाल जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड, जो लंबा होता है उसे फ्लैजेला कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं दैट इज कॉल्ड सीलिया, ठीक है। ये इसका दो कैरेक्टर हो गए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे तो वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है अल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोन, स्पायरो गैरा, पैरामीशियम, अमीबाई, सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, प्रोटिस्टा के। ये देखो ये फ्लाजिला, लंबा सा पतला सा बाल का जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एनिमल कौन सा है, यूग्लिना है, क्लियर। कम टू द फंगस, फंगस यूनिसेलुलर, सॉरी, फंगस में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों तरह का देखने को मिलता है हमको। ये मोस्टली हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, इनका मेन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेड डिकेइंग मटेरियल पे फीड करते हैं, सो दे डिपेंड अपॉन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे सड़ने लगती है चीजें तो उसके ऊपर फूग लगने लगती है ना, तो ये वही है, ठीक है। ब्रेड सड़ता है तो ऊपर काली काली फूग आती है, रोटियों पे आ जाती है, ठीक है। तो इन सब जगह पे जो आप देखते हो दैट इज फंगस, सो दे आर कॉल्ड दोज ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। इनका लिविंग के लिए क्या चाहिए, एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है इनको, खाना बनाना खाना वगैरह के लिए क्या चाहिए होता है, होस्ट बॉडी। सो दे आर नोन एज हेटरोट्रॉफिक। सम ऑफ देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। कितनी फंगस को हम पैरासाइट्स कहते हैं, कि जिस किसी को होस्ट बॉडी चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, यानी किसी के अंदर घुस के उसके ऊपर से उसके अंदर से पूरा न्यूट्रिशन ले ले, तो वैसी फंगस को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। मैनी हेल्प देम हैव कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ। कहा ना, कुछ यूनिसेलुलर होती तो कुछ मल्टी सेलुलर बन जाती है एक टाइम के बाद, कुछ ऑलरेडी मल्टी सेलुलर होती हैं। सो दे हैव अ सेल वॉल्स मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। सेल वॉल होता है इनको, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है ये इसमें लिखने का। और इसके एग्जाम्पल्स है यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, ये यीस्ट है, ब्रेड में डालते हैं उसको फुलाने के लिए, पेनिसिलिन, इसके अंदर से पेन किलर की दवाई बनती है, और ये मशरूम, मशरूम भी एक फंगस है आपको पता ही होगा, ठीक है। कुछ फंगल स्पीशीज जो है परमानेंट होती है, कुछ डिपेंडेंट रिलेशनशिप पे होती है, ठीक है। कुछ कैसे डिपेंडेंट रिलेशनशिप में होती है, कि दोनों दो फंगस हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा तो दोनों एक साथ रह सकते हैं, वरना तो कॉम्पिटिशन होगा तो एक जिएगी और एक मर जाएगी, ठीक है। तो ऐसी एक फंगस बोली जाती है लाइकन, फंगस भी नहीं है, एक दूसरी कैटेगरी है लाइकन, जिसमें फंगस और आलगी दोनों ही साथ में मिलके रहते हैं। फंगस क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, और आलगी जो इसके साथ रहती है वो क्या करती है, खाना बना के देती है, ठीक है। आलगी प्लांट्स की कैटेगरी में जाती है तो उसके अंदर वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो दोनों ही साथ में मिलकर जब रहते हैं उसे कहते हैं लाइकन्स, ठीक है। ओल्स इन लाइकल्स आर स्लो ग्रोइंग ऑन लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्री। अक्सर का मॉइस्चर वाला एरिया होता है ना, वहां पे हम उसको ज्यादा देखने को पाते हैं, ठीक है। प्लांट्स सबको पता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल वॉल के साथ होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इसमें सभी कैटेगरी के प्लांट्स आ जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो, ठीक है। प्लांट्स आपको पता है मल्टी सेलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल, ठीक है, और कैसे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और इसके अंदर सभी तरह के प्लांट्स के एनिमल्स के एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा चार्ट, ठीक है, आपको याद करने का हो अगर ये पूरा चार्ट तो याद कर लो, तो इसके नीचे इसके एग्जाम्पल्स लिख लिया करो, यहाँ पे किसके क्या उनसे एग्जाम्पल्स आएंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेम्बर दी टॉपिक, ओके। और बुक में अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप बहुत इजी ऐसे चार्ट बना दो, फाइव किंगडम का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस करके, और यहाँ पर एक टेबल ऐसे बना दो, यहाँ पे लिख दो टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, ऐसे क्या रहा है? यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल, और यहाँ पे टाइप ऑफ सेल लिखो, जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और यहाँ पे भी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, 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 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, 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 ऑटोट्रॉफिक, ऐसे करके फिर यहाँ पे एग्जाम्पल। इस तरह से पूरा शॉर्ट नोट लिखने के बाद तो आप लिख सकते हो इजी वे में,
और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक प्लांट। अब किंगडम प्लांट हम पढ़ेंगे, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ किंगडम। ठीक है, अब प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है वो पढ़नी है हमें। ओके, सो दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड।